बिना देखे आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा बेहतरीन स्टार्ट हो गया है क्लब, और जबरदस्त होने वाला आज का सेशन, क्योंकि वर्कआउट करा रहा हूँ मैं और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। राइट, सो बने रहिए। आज की हमारे सुपर डुपर कोच अजय यादव सर को जो आपको वर्कआउट कराने वाले हैं, आवर टू अजय सर। Fantastic. Thank you so much, Kalpana, for the amazing start of the day. Right? Good morning, everyone. Good morning, सभी positive vibes के लोगों को. Right? Good morning, Vinita जी. Good morning, Thakral साहब. Good morning, Kantarani ma'am. Good morning, Rajni ma'am. Good morning, Shabnam जी. कैसे हैं आप? अंकु प्रसाद साहब कैसे हैं सर? हाथ कैसे आप? ठीक है? बहुत बढ़िया, fantastic. धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. Right? ज्योति कुमार जी, good morning. Fantastic. सभी लोगों का वीडियो ऑन है, और जिनका वीडियो ऑन नहीं है उनका क्या किया जाए? उनके साथ क्या किया जाए? कोई मुझे राय दे सकता है यहाँ पे कि जिनका वीडियो ऑफ है उनको क्या करना चाहिए? उनको वेटिंग रूम में डालना चाहिए, राइट? क्योंकि जब वर्कआउट नहीं करेंगे और उनको रिजल्ट नहीं आएगा तो आखिर में वो हमें दोष देंगे। इससे बढ़िया हम उनको वेटिंग रूम में डाल के बोलेंगे, आप तो थे ही नहीं सेशन में, है ना? आप सेशन में थे ही नहीं, आपको रिजल्ट कैसे आएगा? तो ये सबसे अच्छा रहेगा, राइट? चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कल की ट्रेनिंग कसम से बहुत ही जबरदस्त थी। हमारे राहुल सर ने वहां पे YMCA किया, बहुत मजा आया। देख के एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे राहुल सर के लिए, राइट? और बहुत बहुत सारी चीजें सीखी, और मैंने एक चीज ना बहुत इंटरेस्टिंग सीखी कल। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही चीजें होती हैं। मैं ना, मेरे को कैसे बोल दिया उसने, ऐसे करके मैं बोलता था कई बार, राइट? और मुझे लगता था वो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोल रहा हूं। मुझे बाद में समझ में आया, कल समझ में आया कि वो ईगो थी मेरी, राइट? तो मैंने वो भी छोड़ दिया बोलना, राइट? समझ गए ना मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आई? ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, दोनों एक ही चीजें हो गई हैं, राइट? और दोनों ही खराब करती हैं हमें, राइट? और जिन लोगों ने कल की ट्रेनिंग मिस करी है क्वालिफाई होने के बावजूद, आपने अपने आप को पीछे 3 साल पीछे कर लिया है, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट, और क्योंकि सेशन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। कितने लोग साथ देने के लिए रेडी है मेरा? कितने लोग साथ देने वाले हैं वर्कआउट में मेरा? अच्छा, और कितने लोग बैठ के देखने वाले हैं? जो लोग बैठ के देखेंगे वर्कआउट कैसे होता है। ओके, कोई नहीं, विनोद सर आपको तो वर्कआउट कराएंगे सर, टेंशन ना लें आप। आपको हैंड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी सब लोगों का हैंड डाउन है। चलिए, तो एक एक से पफरेज का ले सकते हैं, सिंपल वार्म अप से स्टार्ट करेंगे और लोअर बॉडी वर्कआउट करने वाले, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रेट, अनबिलीवेबल। तो सिंपल स्टार्ट करना है, वार्म अप 15 टाइम्स आगे, 15 टाइम्स पीछे। हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, वर्कआउट कराया मैंने, बट जैसे ही वर्कआउट कराना स्टार्ट किया नेट चला गया और लोगों को वर्कआउट नहीं करा पाए, तो बैकअप ने संभाला सब कुछ, राइट? सो बहुत जबरदस्त आज का सेशन हमारा क्लब, और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट शेयर हुआ है। सो अमेजिंग था आज का सेशन। और पोस्ट मीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सेशन में ना, तो पोस्ट मीट में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, कल की ट्रेनिंग को रिपीट किया गया, और डेफिनेटली जो चीजें अगर आप करते हो, जो चीजें सीखते हो, अगर उनका रिवीजन करके उनको दोबारा से करो तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाते हो उनको, राइट? क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो उसको रिवाइज करते हो, तो राइट, तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आगे बढ़ते हैं आज के दिन में, और बहुत सारी चीजें करनी है आज। आज लोगों को इन्वाइट भी करना है वेट लॉस कराने के लिए, लोगों को क्लब में भी इन्वाइट करना है, और जो मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए भी काम करना है, क्योंकि उस पर मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाला है, और उसके बहुत सारी चीजें मैंने उसके लिए लिख रखी है, स्क्रिप्ट लिख रखी है, बट रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा, राइट? सो आज वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? सो बने रहिए, थैंक यू सो मच। हाय, सो गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आपका हमारे वापस से ब्लॉग में। सो कल की जो ट्रेनिंग हुई थी बिजनेस बिल्डर स्कूल, उसमें जो चीजें सीखी थी करीब करीब 81 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो उसमें जो भी चीजें सीखी उसमें मोटा मोटा मैं आपको 10-12 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और उसके बाद आज के व्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि आज जो हमने शूटिंग करनी थी वो करी तो है, बट उसकी एडिटिंग बाकी है, और वो दूसरे चैनल पे जरूर अपलोड करूंगा मैं जल्दी ही, राइट? तो कल की ट्रेनिंग का कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पॉइंट्स की शुरुआत में ही सबसे पहला तो यही था कि कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करनी है, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड रखना है, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए नो प्रॉब्लम कह के उसको हैंडल करना है, राइट? कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये गलत है वो गलत है, किसी भी चीज में कमी नहीं निकालनी है, हर चीज को अप्रिशिएट करने में आपको आगे रहना है, राइट? सो नो प्रॉब्लम एटीट्यूड और नो कंप्लेंट एटीट्यूड रहना चाहिए आपका लाइफ के अंदर, तब आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं और आप अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? और ये भी बोला गया था कल के सेशन में कि अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी लाइफ में छोटी होती है, किसी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हर किसी को नहीं बताना,
वो अपने अपलाइन यानी अपने जो मेंटोर है उनको बताना है सिर्फ, और उसके अलावा किसी को नहीं बताना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को आपकी प्रॉब्लम सुन के अच्छा लगे और हो सकता है कुछ लोगों की वो आपकी प्रॉब्लम सुन के परेशान हो, राइट, जैसे आपके माता पिता। तो किसी को प्रॉब्लम बता के टेंशन नहीं डालना है, सिर्फ अपने अपलाइन या मेंटोर को बताना है, और अगर वहां भी काम ना चले तो हम जैसे कि हम मैं करता हूँ बजरंगबली को बताना है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो मैंने सीखा, स्टेमिना डेवलप करना है, और स्टेमिना डेवलप करने का मतलब क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, कुछ काम होते हैं जो आप एक ही बार करते हैं उनके लिए स्टेमिना नहीं चाहिए होता है, कुछ चीजें होती हैं जो सेम ही चीज आपको बार 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 करनी पड़ती है तभी आपको सक्सेस मिलती है। तो जो चीज आपको बार बार करनी पड़ती है उसके लिए स्टेमिना बहुत जरूरी होता है, और स्टेमिना समय के साथ में बिल्ड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और हर्बल लाइफ ईजी नहीं है, सिंपल है, राइट, तो आसान नहीं है, सरल है, अगर करना चाहें तो किया जा सकता है, बट ये सोचें कि बैठ के हो जाए तो नहीं होगा, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा मैंने, राइट। और ये भी सीखा कि कई बार आप जो काम करते हैं एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, आपको वो रिजल्ट्स अचीव नहीं होते जो आपके माइंड में चल रहे हैं, राइट, आपका गुजारा चल जाता है बट आप हाई लेवल अचीव नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप वही काम करते रहे पांच साल, छह साल, दस साल का अगर अपना टारगेट आप लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं तो डेफिनेटली आप जितना बड़ा गोल अपने रखा है अपने लिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं, बट आपका कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, राइट। ये मैंने कल के सेशन में सीखा है, राइट। और अगला जो पॉइंट सीखा मैंने कि दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है, राइट। कभी भी किसी को दिखाने के लिए गाड़ी नहीं खरीदनी, कभी भी किसी को दिखाने के लिए महंगी घड़ी नहीं खरीदनी, राइट। जब आप उसको कैश डाउन खरीद सकें तभी उसके लिए काम करना, और कैश डाउन भी ऐसा नहीं है, जब आपके पास कैश डाउन खरीदने का पैसा और उसको भी आप उसको भी डिले कर सकें सबसे बेहतरीन चीज वो है, राइट। और दिखावे के चक्कर में ना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये पॉइंट मैंने कल सीखा और बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी ना कई बार आप देखते हैं ना कोई चीज तो आपको लगता है कि यार ये खरीद देना चाहिए, राइट, और कई बार आप क्रेडिट कार्ड पे खरीद के आ जाते हैं, राइट, कई बार आप लोन कराते हैं, EMI कराते हैं, तो वो करने से बचना है। और आप जितना डिले कर सकते हैं ना उस चीज को, जितना डिले कर सकते हैं ग्रेटिफिकेशन को, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए लाइफ में, राइट। ये बहुत अच्छी चीज सीखी है कसम से मैंने, राइट। अगला जो पॉइंट है कि जब भी आपको लगे ना कि लाइफ में मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपने पिछले 30 दिन में क्या काम किया है। कि अगर आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपने पिछले 30 दिन में क्या किया है। और मोस्टली लोगों के साथ में क्या होता है कि वो काम को ना ये सोचने लगते हैं कि यार प्रेशर आ रहा है मेरे अंदर, बट जब बिजनेस में वो चीज सोचते हैं कि हर लाइफ में यार काम करना प्रेशर्ड है, तो ये क्यों नहीं सोचते कि जब हम जॉब करते हैं 12-12 घंटे जॉब करते हैं और वहां पे जाके जब मेहनत करते हैं तो वहां पे भी तो प्रेशर आता है, उसको कभी नहीं हम लोग पेन की तरह लेते हैं, हम बिजनेस में अपने लिए काम करने को पेन समझ लेते हैं। तो ये दोनों का जो फंडा है ना, ये समझना बहुत जरूरी, राइट। कभी भी ये टेंशन लेके नहीं बैठना है कि भाई पेन आ रहा है, नहीं पेन नहीं है, आप अपना मेहनत कर रहे हो, आप अपने हिस्से की मेहनत करो, वो करनी ही पड़ेगी आपको, आप चाहे बिजनेस में करो चाहे जॉब में करो, करना ही पड़ेगा, राइट। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और बहुत चीजें सीखी हैं। अगला पॉइंट जो है कि धीरे धीरे करके आपको अपने काम करने की कैपेसिटीज बढ़ानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपको लोगों के साथ रिस्क लेना पड़ता है, सबके खुश करने के चक्कर में अगर आप लगेंगे तो लाइफ में आप कहीं भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, राइट, सो आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों को आपको थोड़ा सा ऊंची आवाज में ही बात करनी पड़ती है, कुछ लोगों के साथ आपको मीठा बन के रहना पड़ता है, तो आपको हर तरीके के लोगों के साथ को हर तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। तो रिस्क लेना आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये नहीं सोचना है कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, नहीं। अगर आपको काम करना है तो आपको एटीट्यूड के साथ में, अच्छे एटीट्यूड का, पॉजिटिव एटीट्यूड में करना है, बट आपको मीठे बनने के चक्कर में अपना खराब नहीं करना, राइट, दबना नहीं ज्यादा, राइट। ये बहुत अच्छी चीज सीखी मैंने। और एक तरीके के लोग होते हैं कि उनको अगर कुछ बताया जाए कि भाई ये काम करना है और अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट, आप कुछ अचीव कर सकते हैं, बट लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा लेते हैं उसमें, राइट। जॉब में लगाएं तो अच्छी चीज है, बट जब बिजनेस में आप लगाते हैं, अपना दिमाग लड़ा लेते हैं और अपने मेंटोर की बात में भी ऐड करने लगते हैं चीजें, तो आप अपने आप को सक्सेस नहीं डिजास्टर की तरफ ले जा रहे होते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको करने से बचना होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो आप अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, आप सिर्फ वो करें जो आपको बोला जाए, राइट। ये बहुत अच्छी चीज सीखी मैंने। और एक और चीज बहुत अमेजिंग सीखी मैंने कि ना लोग फ्रस्ट्रेट घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लोग अपनी जॉब से 12-12 घंटे जॉब करके लोग परेशान हैं, लोग घर जाते हैं वो फ्रस्ट्रेशन फिर अपनी फैमिली में उतारते हैं, लोग सुबह आपको मार्केट में मिलते हैं, लोग आपको कहीं पार्क में दिख जाएं, लोग फ्रस्ट्रेशन लेके घूम रहे हैं, राइट।
वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वो फिर सोशल मीडिया यूज करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं, बट वो फ्रस्ट्रेशन कहीं कम नहीं हो रही है। अगर आप उनसे गलती से बात कर लो तो दो ही तरीके के लोग मिलेंगे, कि अगर आप कि भाई सब लगी पड़ी है, बट वो क्या बोलते हैं कि यार अच्छा चल रहा है, बट अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, लोगों के साथ में फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं हिंदुस्तान में लोग। क्योंकि अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड्स अभी कुछ दिन पहले आए थे कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं हिंदुस्तान में, राइट, वर्ल्ड का कुछ हमने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था उसके लिए। तो फ्रस्ट्रेशन वाले लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगला पॉइंट जो था कि आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए कभी भी, राइट। हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा लेट आ रहा है, कम आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी मेहनत 100% करते रहना पड़ेगा, राइट, उसमें कोई भी कमी नहीं हो सकती। और मुश्किल वक्त भी आता है, पेशेंस भी टेस्ट होती है, और जो उस मुश्किल वक्त में भी टिका रह जाता है, उस मुश्किल वक्त में भी सर्वाइव कर लेता है, सर्वाइव इन द सेंस की मनी के सेंस में, अपने काम को करते रहने की सेंस में, तो अगर वो सर्वाइव कर लेता है तो सक्सेसफुल वही होता है, राइट। और बहुत सारी और चीजें सीखी है मैंने, राइट, कि अपने अंदर विल पावर डेवलप करनी चाहिए और बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, राइट। और नेगेटिव कमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जल्दी ही जवाब नहीं दे देना चाहिए हर एक चीज का, राइट। और खुद न्यूट्रिशन यूज करना आपको टॉप लेवल पे होना चाहिए, कभी भी न्यूट्रिशन यूजेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता आपको, राइट। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि हर्बल लाइफ में ना लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्शंस उठाते हैं हर एक चीज पे, कि मेरा जल्दी वेट लॉस करना है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है, या मेरा वेट बढ़ तो नहीं जाएगा, हर एक चीज ऑब्जेक्शन डालते हैं लोग, राइट। बट आपको एक स्टेबल माइंड के साथ में उसको हैंडल करना आना चाहिए, राइट, क्योंकि मार्केट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का है, बट आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना आना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है मैंने। और जाते जाते लास्ट का एक पॉइंट जो मैंने सीखा कि लोग जो फ्रस्ट्रेट घूम रहे हैं मार्केट में, उनके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाए उनको 1, 2, 5, 6 महीने के लिए, बट लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम सॉल्यूशन नहीं है, और आने वाली पीढ़ी को भी वो वैसे ही डेवलप करेंगे फ्रस्ट्रेशन के लिए, राइट। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ हर्बल लाइफ कोच, हर्बल लाइफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट, कि हम उनको मदद करें, हम उनको अपने साथ में लेके एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करें, और ये हमारा फोकस होना चाहिए लाइफ में लॉन्ग टर्म, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट्स थे, और ये जितने बेसिक सुनने में लगते हैं ना, जब आप उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में, और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन के निकलेंगे। मैंने इतना सीखा कल की लाइफ, कल की ट्रेनिंग में, राइट। सो आई होप आपको ये मदद करेगा, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है आने वाले समय में। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने आप में चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे हर एक चीज पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल से लेके अपने एटीट्यूड पे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए, और जल्दी ही मैं अपना दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और वो आने वाली है फैटी लिवर के बारे में। हालांकि हम किसी भी मेडिकल क्लेम में बिलीव नहीं करते, हम किसी भी मेडिकल क्लेम को नहीं करते हमारे न्यूट्रिशन में, राइट, बट जब फैट बढ़ता है तो आपका लिवर भी उससे इम्पैक्ट होता है, ये नॉर्मल सी बात है। और ये कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, और आपको उसका लिंक मैं जरूर दूंगा। उसमें ये चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, और पता लगेगा कि यार कितना ये ओबेसिटी ने दिमाग खराब किया हुआ हिंदुस्तानियों का, राइट। सो थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन मंगलमय हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।